नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद दिया है 218। पदों की संख्या इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लोग मान लेना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, ठीक है दोस्तों, तथा सर्वांतर जो होता है उसको डी माना जाता है। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब दिया गया समांतर श्रेणी है आपका, दिया गया समांतर श्रेणी, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी दिया है 8, 15, 22, ये हमको दिया है समांतर श्रेणी। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाला पद जो होता है दोस्तों, वह प्रथम पद होता है, प्रथम पद ए का मान 8 है दोस्तों। अब इसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों सर्वांतर कैसे निकालते हैं। दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, तो 15 में 8 को घटा देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सर्वांतर, मिल जाएगा 7, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है अंतिम पद 218 है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, अंतिम पद को L से प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम पद L का मान दिया है 218, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे nवां पद का फार्मूला होता है ठीक उसी तरह से अंतिम पद का फार्मूला होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं nवां पद है ना, nवां पद का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों अंतिम पद का भी फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंतिम पद का जो फार्मूला होता है दोस्तों, अंतिम पद एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, इसी सूत्र में मान को रख के हमें किसके वैल्यू को डिफाइन करना है, एन के मान को। चलिए रख देते हैं, एल का मान है 218, ठीक है, और ए का मान है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या है दोस्तों, 7 है, यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद देखिए, 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इस पर आकर वो घटेगा एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है दोस्तों। 218 में 8 घटेगा कितना आएगा, 210 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। अब इसमें एन का मान डिफाइन करना है दोस्तों, एन को पक्षांतर मतलब इसमें 7 को पक्षांतर करेंगे तो 210/7 इक्वल टू मिलेगा हमें एन माइनस वन, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब उसके पश्चात ये इसको कटाएगा, 7 × 7 = 21, 7 × 0 = 0, ये 30 बार में कट जाता है दोस्तों, 30 इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ से एन का मान डिफाइन करेंगे तो माइनस वन इधर आकर प्लस हो जाएगा, अर्थात एन इक्वल टू 30 + 1 हो जाएगा, तो 30 + 1 = 31, अर्थात हमें इसमें एन का मान क्या मिला है दोस्तों, 31। अतः इस क्वेश्चन में पदों की संख्या पूछा गया था दोस्तों, अतः पदों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। अतः पदों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 31 होगी, यही आंसर है दोस्तों। धन्यवाद।